दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा दिसंबर में होगी, और अब तक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर हल कर लेना। अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर मिले हैं आपको, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप लोग देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मैं दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप चाहो तो पार्ट वन यानी कि क्वेश्चन पेपर वन यूपी टेट के लिए अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 2011 से लेकर अब तक, उनका सॉल्व मैटर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा इसमें यू टेट यानी कि उत्तराखंड टीईटी की परीक्षा जो कि 6 नवंबर को हुई थी, तो उसमें पेपर टू यानी कि जूनियर लेवल पर जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसके अंतर्गत जो बाल विकास और शिक्षण विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे 30 प्रश्न, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलो शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर वन, और प्रश्न ये है कि जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थी को घर बुलाना चाहिए, नहीं। और विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ये भी नहीं। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये सही है। और कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो विकल्प लगभग लगभग सही हैं, तो आपको सबसे सही विकल्प का चयन करना होता है। जब दो विकल्प आपको लगे कि दोनों ही सही हैं, तो जो सबसे ज़्यादा सही आपको प्रतीत हो वो आपको हल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि परीक्षाएं करीब हैं तो यहाँ पर कोर्स का कंप्लीट होना जरूरी होता है। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना हो, तो कोर्स को कंप्लीट करना होगा। इसलिए ऑप्शन सी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो हैं वो पूरे कोर्स के बारे में समझ सकें, जान सकें। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है सहयोग पर व्याख्यान के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं। समूह कार्य के द्वारा, हाँ, ये ऑप्शन भी सही होगा, यानी कि समूह कार्य के द्वारा विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, निबंध या लघु उत्तरीय, तो तीनों ही सही हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो विकसित करते हैं क्या, सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृत्ति, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों। अगला सवाल है कि जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए, नहीं। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए, नहीं। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, ये सही होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है किसकी, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन, तो दोस्तों ये शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने और समीक्षा करने में मदद करता है, तो सही जवाब मैं मानूंगा यहाँ पर ऑप्शन सी को। बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चिल्ड्रेन इंक्लूड बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव और वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प एक और दो होगा ये सही होगा, बच्चों के विचारों की खोज और दैनिक जीवन के अनुभव, बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं तीनों को, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका विकल्प 1, 2 और 3 तीनों ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामिति विचारों की व्याख्या की जा सकती है, ज्यामिति विचार मतलब जैसे ट्रायंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, तो अगर बच्चा नहीं देख सकता तो इसको आप उसे कैसे सिखाओगे, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखो मौखिक विवरण तो दोगे ही, साथ ही साथ उसे मूर्त अनुभव भी कराओगे, लाइक एज अगर आप आयत के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप उसे ड्राइन बॉक्स दे सकते हो, या फिर अगर त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हो या फिर स्फीयर के बारे में पढ़ा रहे हो तो ऐसी चीज़ें उसके हाथ में दी जाए ताकि वो उसका मूर्त अनुभव कर सके, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को, विशेष आवश्यकता यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ऐसे बच्चों के बारे में जो कि स्पेशल नीड के लिए, मतलब स्पेशल नीड चिल्ड्रेन है, तो दोस्तों बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सामान्य जीवन में भी नहीं करना चाहिए, अपनी भी तुलना कभी किसी से मत करना क्योंकि हर पर्सनालिटी यहाँ पर यूनिक मानी जाती है। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर, तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि उसे कैसे सिखाया जाए इस पर ध्यान हमारा फोकस होना चाहिए।
पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रेन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन मेंटल रिप्रेजेंटेशन और मेकिंग देम कैपेबल ऑफ कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, ये होगा पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल होगा ये, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? अधिगम अक्षम, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रन। तो देखो ये प्रश्न है, यहाँ पर इसके अवधान से जुड़े विकार होते हैं, इनमें पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसमें से विकल्प एक और तीन दोनों सही माने जाएंगे, तो एक और तीन यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला सवाल होगा कि इंद्रधनुष के रंगों को विवग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी टेक्निक है? तो यह मुख्य शब्द विधि है यानी द कीवर्ड मेथड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, द कीवर्ड मेथड। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये कीवर्ड मेथड होता है, इसको मैनेमिक मेथड भी कहा जाता है। मैनेमिक मेथड, MENEMONIC, मैनेमिक मेथड। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 13। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाती है? ये बुद्धि कहलाती है यानी कि इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो फ्रेंड्स, वो जो है इस समय बहुउपागम परिहार संघर्ष का सामना कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक चिंतन की दी गई चार अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम, तो देखो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन फोर स्टेजेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो इसका सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ये डी बन जाएगा इसका। ठीक है, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण, तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद आएगा अगला सवाल। इस प्रकार की तर्कणा से व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो ये होता है निगमनात्मक विधि यानी कि ऑप्शन बी होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले आपको फार्मूला दिया गया रहता है, मतलब कि फार्मूले पर फिर आप जो आपको फैक्ट होता है उसको आपको सेट करना होता है और आप एक रिजल्ट को प्राप्त करते हो, तो ये होगा निगमनात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी। तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो समस्या की पहचान यानी कि पहले स्टेज ये बन जाएगा। उसके बाद होता है आंकड़ों का संग्रहण, और उसके बाद क्या होगा, फिर अनुमान पर पहुँचना, और फिर उसका क्या होगा, अनुमान पर पहुँचने के बाद फिर होगा कि आप जो है अनुमान के अनुसार प्रयोग करें, और उसके बाद फिर निर्णय लें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। शाब्दिक कौशल सामान्यतया अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके या वस्तुओं को पहचान कर। तो दोस्तों यहाँ पर जो शाब्दिक कौशल के बारे में बात हो रही है, तो देखो याद करके, दोहरा कर और पुनः याद करके, ठीक है, तो यहाँ पर कई विकल्प दिए गए हैं। और चौथा है वस्तुओं को पहचान कर, शाब्दिक कौशल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि चारों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को, तो ये इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। तनावमुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, और ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं, तो एक और दो इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये होता है ड्रॉप आउट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्नेलन चार्ट का किससे संबंध है?
जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर डॉक्टर आपको एक चार्ट दिखाता है जिसमें उल्टी सीधी आकृतियाँ लिखी रहती हैं। तो ये जो चार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लेनल चार्ट। तो इसको दृष्टिबाधिता से संबंधित किया जाता है ऑप्शन ए से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दृश्य श्रवण ग्रंथ और स्पर्श। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हालांकि बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है। शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए यह सिखाने में सक्षम बने, तो यही अनुशंसा है। 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं, तो बात यहाँ पर 21वीं सदी के बारे में की गई है, तो बी गलत होगा। और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर यह भी गलत है। और आकलन बच्चे के सीखने व विकास में मदद करने वाला हो तथा रटने पर जोर देने वाला हो, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये सेट सी है, मैं आपको बता दूं कौन सा कथन सत्य है। मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना, या मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है, मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शन गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज इन ए ग्रुप। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुल मिला के 30 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे पेपर 2 जूनियर लेवल में यूटीटी की परीक्षा में, यूटीटी की परीक्षा में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और भी प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि यूटेट में पूछे गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।